चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में मतदान केंद्र पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे पहले सीपीएस कमल गुप्ता ने अपने वोट डाले, उसके बाद सीएम खट्टर और अन्य ने वोट डाले। चंडीगढ़ में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, कविता जैन और ओम प्रकाश धनखड़ ने अपना वोट डाला। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई ने भी मतदान किया। बारिश की पानी की निकासी को लेकर गोहाना में किसानों की चेतावनी के आगे झुका प्रशासन। डीसी ने बनवासा गांव का किया दौरा, अधिकारियों को स्थायी समाधान निकालने का दिया आदेश। बनवासा गांव और आसपास के 7 गांवों के खेतों में 25 दिनों से बारिश का पानी जमा है, जिससे किसानों को खेती करने में परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन ने शिकायत के बावजूद कोई सुध नहीं ली, जिसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। ग्रामीणों की चेतावनी के बाद डीसी ने बनवासा और छपरा ड्रेन का दौरा कर अधिकारियों को सफाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्रामीणों की कमेटी बनाने का आश्वासन दिया, ताकि सफाई की निगरानी हो सके और अगले साल तक स्थायी समाधान निकल सके। फतेहाबाद में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। सिरसा रोड पर प्राइवेट बस ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार किसान की मौत। हादसे के वक्त घर में खेत पर जा रहा था किसान। ग्रामीणों ने बताया कि भेड़िया खेड़ा के रहने वाले कियान कवर सिंह मोटरसाइकिल पर अपने खेत में जा रहे थे, तभी प्राइवेट मिनी बस ने टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एम्बुलेंस सेवा की पोल भी खुल गई है, 108 पर कई कॉल करने के बावजूद भी नंबर नहीं लगा। अम्बाला में 5 नंबर चौकी पर तैनात एसआई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से सिर में चोट लगने से मौत हुई है। अम्बाला की चौकी नंबर 5 में तैनात एसआई अपनी ड्यूटी खत्म कर देर रात ऑल्टो कार से पुलिस लाइन अपने घर जा रहे थे, तभी उनकी कार हादसे का शिकार हो गई, लेकिन हादसा कैसे हुआ इस पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। फतेहाबाद के आजाद नगर में घरेलू कलह में पत्नी ने तेजधार हथियार से पति पर किया जानलेवा हमला। हमले में घायल पति को पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने पहले तेजधार हथियार से हमला किया, फिर बदमाशों को बुलाकर उसकी पिटाई करवाई। पिटाई के बाद बदमाश उसके हाथों से अंगूठी निकाल कर ले गए और पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल के वसंत विहार में सुबह चलती बाइक में लगी आग, बाइक सवार की बाल बाल बची जान। समय रहते बाइक सवार ने लगाई छलांग, जिससे उसकी जान बच गई। चश्मदीदों की माने तो सुबह के वक्त एक युवक बाइक चला रहा था, तभी इंजन से धुआं उठने लगा और बाइक में आग लग गई। बाइक चला रहे युवक को जैसे ही बाइक में आग लगने का एहसास हुआ, उसने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। गोहाना जीन हाईवे पर गांव भंबेवा के पास बुटाना नहर में कार के गिरने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। खराब पुल को सड़क हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है, तो वहीं इस हादसे ने अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर लॉ एंड ऑर्डर के एडीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और यात्रा की सुरक्षा के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। सोनीपत के गड़ी ब्राह्मणा गांव में एक महिला का शव कमरे में लटका मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मृतक महिला का पति घर से गायब था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। नशे की दवाइयों का कारोबार करने वाले रोहतक को अपने धंधे का अड्डा बनाए हुए हैं। नशे के कारोबारी लगातार युवाओं को अपने जाल में फंसाते जा रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को भारी मात्रा में कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। यमुनानगर में महिला पार्षद ने नगर निगम के डिप्टी मेयर पर छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने महिला पार्षद की शिकायत पर मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है।